हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित डागर और मेरे नए यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक रिलेशन भर्ती के बारे में आपको बताने वाला हूं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों पर शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको सभी ट्रेड्स के बारे में बताऊंगा इस रिलेशन भर्ती में, और क्या क्या कौन सी ट्रेड है इसमें, क्या अदर्स सेंटर वाले इसमें लगते हैं या नहीं लगते हैं, सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। कहाँ ओपे होती है, कहाँ पे नहीं होती, सब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं, जो पंजाब रेजिमेंट सेंटर है रामगढ़ कैंट झारखंड द्वारा इकाई मुख्यालय कोटा के तहत भर्ती रैली का आयोजित किया जा रहा है। मतलब जो रामगढ़ कैंट द्वारा यहाँ पे ये भर्ती आयोजित की जा रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कि ये पहली जो क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 7 अक्टूबर को सैनिक लिपिक श्रेणी, मतलब मेरे ख्याल से ये क्लर्क है दोस्तों। अगर ये क्लर्क नहीं है तो ये कोई और ट्रेड है। यहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मुझे ये लिपिक जो है ये शायद मेरे ख्याल से क्लर्क है। तो शायद 7 अक्टूबर को क्लर्क की भर्ती होगी, तो आपको रिपोर्टिंग करनी है 7 अक्टूबर को। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सैनिक ट्रेडमैन की श्रेणी वाले हैं उनकी 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैनिक ट्रेडमैन श्रेणी के लिए भर्ती का आयोजन जो होगा जो कि 9 अक्टूबर को स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडमैन देख रहे हो तो आपको 9 अक्टूबर को वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी। जो रिपोर्टिंग टाइम है वो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 5 बजे का होता है या 6 बजे का होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पहले से ही वहाँ पे जाके बैठ जाइए। तो मैं और फिर यहाँ पे दिखाता हूँ जो 7 अक्टूबर को, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको क्लर्क की बता दी। 9 अक्टूबर को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9 अक्टूबर को सैनिक सामान्य जीडी, मतलब यहाँ पे जीडी की बोली गई है। 9 अक्टूबर को यहाँ पे जीडी की होगी दोस्तों। आपको यहाँ पे अगर आप जीडी देख रहे हैं तो दोस्तों आपको 9 अक्टूबर को वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होगी और आपकी वहाँ पे भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे फिर नीचे और एक और बताया गया कि जो 6 अक्टूबर है उससे अगर आपके पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है, मतलब कोई भी क्या कहते हैं स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो आपको वहाँ पे चले जाना 6 अक्टूबर को। मतलब 6 अक्टूबर को आपकी रनिंग होगी, जो भी ट्रायल व्रायल होगा वो भी आपको 6 अक्टूबर का होगा। और उसके बाद आपका जो बाद में रनिंग होती है सभी प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।